कश्मीर लगातार डॉट इन पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ मौजूद हूँ मैं साक्षी गोलचक्कर के पास, जहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पुतला दहन किया जा रहा है और ये सब कुछ विरोध हो रहा है। धनबाद में लड़कियों के ऊपर हुए लाठी चार्ज के बाद तो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका विरोध कर रहे। चलिए हम जानते हैं कि उनकी क्या कुछ मांग है प्रशासन से इस लाठी चार्ज के बाद, और ये पुतला दहन आज ये किस विरोध में कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है, छात्राओं पर कोई भी अधिकारी, पुरुष अधिकारी कैसे लाठियां बरसा सकता है। ये बहुत ही गलत चल रहा है और इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, और हम ये किया चाहते हैं कि जो रिजल्ट है उसमें संशोधन किया जाए, क्योंकि कोई छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर यूं ही नहीं रोड पर आ जाता है, और रिजल्ट में संशोधन करने के साथ साथ एसडीएम सर को बर्खास्त किया जाए। झारखंड के एसडीएम ने छात्राओं पे लाठी चार्ज किया, क्या हमारी मांग गलत थी? क्या हमें पास नहीं होने दिया जाएगा? यदि हम अपने पास होने की मांग को लेकर के छात्राएं छात्र यदि सरकार से मांग करते हैं हमें लाठी चला दिया जाएगा, यदि लाठी चला दिया जाएगा तो आप सभी छात्र सरकार से कहना चाहते, सभी मंत्रियों से कहना चाहते हैं, छात्र प्रत्येक दिन प्रत्येक स्थानों पर इस तरीके से विरोध करेगी, आप लाठी चार्ज करते रहिए, हम मार खाते रहेंगे। आप लोग क्या कदम उठाएंगे? हम लोग अभी झारखंड सरकार का पुतला दहन करेंगे और इसके बाद अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग भी करते हैं मुख्यमंत्री महानगर की तरफ से, और पूरा राज्यव्यापी हम लोग पुतले जला रहे हैं आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से, और कल की घटना को लेकर से पूरे राज्य के छात्र छात्राओं में, सिर्फ विद्यार्थी परिषद के नहीं, जो छात्र छात्रा के छात्र संगठन से नहीं जुड़े हैं उन लोग में भी, जिस तरह से एसडीओ साहब खुद लाठी लेकर के छात्रा को मार रहे थे, इसको लेकर के काफ़ी निराशा और छात्रा भयभीत है कि कैसे एक एसडीओ छात्रा को मार सकता है जो 14-15 साल की छात्राएँ हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि उस एसडीओ जल्द से जल्द सस्पेंड करे सरकार, जो गलती हुई है सरकार से उसको ठीक करने के बजाय ये लाठीचार्ज सरासर गलत है, और आने वाले दिनों में अगर ऐसा होता है कि हमारी छात्र बहनों को लाठी खाना पड़ता है तो हम लोग भी प्रशासन के ऊपर हाथ छोड़ सकते हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।